हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, मैंने जुलाई में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको क्रिसेंथीमम के बारे में बताया था। क्रिसेंथीमम की कुछ कटिंग्स लगाई थी, उन्हें रिपोर्ट भी किया था। देखिए उसका, आप देख सकते हैं ये वही कटिंग है, मैं उसी का ही अपडेट आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने कितनी कटिंग्स लगाई थी, बल्कि ये कटिंग मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ये मैंने बाद में लगाई है। पर पहले की जो ये कटिंग्स हैं, ये चार कटिंग्स जो थी मैंने आपके साथ शेयर की थी और आपके लगाने के लिए बताया भी था। तो आज हम इसके बारे में क्या बात करेंगे, जो आपको अभी काम करना है क्रिसेंथीमम के प्लांट पे, वो क्या करना है जब इस तरीके से ये प्लांट्स हो जाए, जब इतने बड़े हो। तो मैंने इनको पिंच कर दिया था। पिंच करने के बाद आप देख रहे हो इसमें कितनी ब्रांच निकल आई हैं, 1 2 3 4। इस प्लांट्स में जो है, देखिए आप, इस पर 4 ब्रांच निकल आई हैं पिंच करने से। इसी तरीके से इसमें भी देखिए, मैंने इनको पिंच कर दिया था। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ मैंने पिंच किया इसको, तो इसमें से भी कई ब्रांच निकल गई हैं। तो इसी तरीके से जो अगर आपने कोई प्लांट लगाया या कोई, मतलब कि इसकी कोई कटिंग लगाई है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो कटिंग लगाने के बाद हम क्या करें, तो जुलाई के बाद मेरा यही रिजल्ट था। मैंने इसको करीबन 20-25 दिन पहले पिंच कर दिया था, तो इसमें इतनी ब्रांच निकली थी। क्योंकि इसे मैंने थोड़ा लेट पिंच किया था, इसलिए आप देख रहे हो इसमें भी जो है ये ब्रांचें निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। ये थोड़ा मैंने लेट किया था, तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताती हूँ। तो देखिए मेरे, इसके बाद मैंने जो वीडियो शेयर किया था, मैंने आपके साथ कुछ बाद में कुछ और कटिंग्स भी लगाई थी। ये देखिए, ये वो कटिंग्स है, और देख सकते हैं आप मेरी कटिंग्स कितनी अच्छी हो गई हैं और काफ़ी हेल्दी भी हो गई हैं। जब आपकी कटिंग्स इतनी बड़ी हो जाए, आप देख रहे हो इसमें कितनी कटिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये देखिए, मैंने इसे ऊपर से टिप्स जो तोड़ी थी ना, उसको पिंच किया था। ये देखिए, तो मैं इसको उसको मैंने ऐसे ही लगा दिया था। देखिए ये भी मेरी कटिंग जो है आसानी से ग्रो हो गई। क्रिसेंथीमम की कटिंग जो है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अगर आपका इतना बड़ा प्लांट है, तो ये जो ऊपर की टिप देख रहे हो ना आप, इस तरीके से जो इसको आप यहाँ से पिंच कर दीजिए। ये देखिए, इतनी छोटी सी टिप जो है हर प्लांट्स की, आप जो है इस तरीके से पिंच कर दीजिए। इसको पिंच करने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो है 3 या 4 ब्रांच जो है एक्स्ट्रा और निकलेंगी, और आपका प्लांट जो है काफ़ी घना भी हो जाएगा। और इसमें जितनी ब्रांच होंगी, आपको जो प्लांट उतना ही फ्लावरिंग करेगा। इसी तरीके से मैं सभी प्लांट्स की जो है ऊपर की टिप जो है निकाल देती हूँ। देखिए मैं सभी प्लांट्स की जो ऊपर की टिप है ये निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैंने सभी प्लांट्स की जो है टिप है इस तरीके से हटा दी है। अगर आपकी इतनी बड़ी कटिंग है, तो आप भी प्लीज़ अभी इसी तरह से अपनी सारी कटिंग्स को पिंच कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो फ्लावरिंग लेट होगी। अगर आपको जल्दी फ्लावरिंग चाहिए, तो इसके बाद आप उसको पिंच कर दीजिए। और इसमें आप आगे आगे जो आप फर्टिलाइज़र भी देते रहिए, इसमें जो है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है, उससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और बहुत जल्दी ग्रो भी करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब मैं इसको बाद में पिंच कर दूंगी। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक देखी, मैंने इसमें पतली चट्टा की एक लीफ थी, ये देखिए, देखिए इसमें कितने बेबी प्लांट निकल आए हैं पतली चट्टा के, देखिए। तो मैंने लीफ इसको ऐसे ही गिर दी थी, और लीफ से ही प्रोपोगेट हो गया। आप जो है, अगर पथरी चट्टा का प्लांट आपके पास नहीं है, और अगर कहीं प्लांट है देखा हो आपने, तो आप उसकी लीफ को इस तरीके से मिट्टी में रख दीजिए, तो कुछ समय के बाद जो है देखिए अपने आप ही ये प्लांट निकल आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।